तीन में सारी मेजोरिटी करा दो एक बार में, बैठ जाओ लिखो पहले, सारी मेजोरिटी एक बार में कराते फिर दोबारा से पूछेंगे तुमसे। मेजोरिटी सारी एक साथ नहीं लिखी तुमने, वो अमेंडमेंट था, मेजोरिटी इसने लिखी। आज मेजोरिटी करवा रहे हैं, ठीक है रहे? टाइप्स ऑफ मेजोरिटी जो उसके साथ मेजोरिटी, सुनो अभी अमेंडमेंट नहीं पढ़ा रहा, मेजोरिटी पढ़ा रहा हूं, राइट? मेजोरिटी अलग अलग पार्लियामेंट में। नंबर वन इज सिंपल मेजोरिटी, क्या? नंबर वन इज सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, समझ आएगी रे? किसी भी आर्टिकल में नहीं है, जब भी कोई भी मेजोरिटी की बात नहीं करी गई है किसी प्रोसीजर में, यानी किसकी बात हुई है? सिंपल मेजोरिटी की। जब भी किसी मेजोरिटी का नाम नहीं दिया गया है उस केस में सिर्फ क्या होगा? सिंपल मेजोरिटी होगी। इसको और क्या बोलते हैं? वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्किंग मेजोरिटी। और क्या कहते हैं अनुराग? कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी, इफेक्टिव अलग है, वो स्पेशल है, ठीक है? ये दोनों कहते हैं इनको। ये क्या होती है? मेजोरिटी ऑफ सिंपल मेजोरिटी, सबको पता है, नहीं बता तो एक बेसिक नाम से पता लग रहा है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट, पीएनवी कर देता हूं, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझ आ रही है? मान लो लोकसभा में अभी कितने मेंबर हैं? 545, लेकिन अभी एक्चुअल में रियल में 543 हैं। कोई बता सर क्यों? एंग्लो इंडियंस को अभी हटा दिया, मतलब पहले नॉमिनेट करते थे, प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी दो बंदे नॉमिनेट करने का, लेकिन अभी वो पावर नहीं है, क्या रे? तो मान लो 545 एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है, लोकसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है, वैसे तो 543 है, कल को ये बोलना भैया आप गलत पढ़ा रहे थे, ठीक है, और इसके 245 राज्यसभा, समझ आ रही इतनी सी बात? ये टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अरे वो समझो इतनी सी। लेकिन मैंने बोला मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मान लो इतने हैं, लेकिन आए उस दिन कितने? उस दिन आए आपके 400 बंदे आए, कितने आए? 400, यानी 100 कितने हो गए? हटाते मिले एबसेंट हो गए 100, समझ आ रही है? और जो आए थे उनमें से 45 ने, जो आए थे उनमें से 45 ने वोट नहीं दिया, तो कितने बच गए 545 में से? 100 माइनस 45 कितना हो गया? 400 हो गया। तो इतने बंदों की, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझ आ रही इतनी सी बात? मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसकी मेजोरिटी चाहिए, हाफ प्लस वन यानी 200 प्लस एक यानी 201 मार्क्स चाहिए, 201 मार्क्स चाहिए आपके बिल को पास होने के लिए, 201 का सपोर्ट चाहिए, समझ आ रही इतनी सी बात? सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, क्लियर हुई? यह सिंपल मेजोरिटी, जिसमें वो भी काउंट नहीं होंगे जो वोट नहीं देना चाहते आए हैं, वो भी काउंट नहीं होंगे जो एबसेंट है, और खाली सीट, मर गए, गिर गए, इलेक्शन नहीं हुए, बाय इलेक्शन नहीं हुए, कोई डिफेक्शन हो गया, वो भी काउंट नहीं होंगे, समझ आ गई इतनी सी बात? तो लिख लो इसको नॉर्मल, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझ आ रही है? परफेक्ट। अब आती है दूसरे पे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, आगे कंबाइन करेंगे इन सारे मेजोरिटीज को, ठीक है, अलग से बात बता रहा हूं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये किसी आर्टिकल में नहीं है, बस एक क्लासिफिकेशन बता रहा हूं है क्या मतलब मामला। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, दिस इज मेजोरिटी ऑफ, यस, मेजोरिटी ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप या फिर टोटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, समझ आ गई? कौन आया? सार गया, अनुराग गया। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, समझ आ गई? यानी कि अगर पांच, ये इतने कितने हुए, 545 बंदे हैं, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 272 पॉइंट समथिंग, तो यानी 273 बंदे चाहिए ही चाहिए, आ रही समझ में? इतने बंदे चाहिए ही चाहिए पास करवाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी, चाहे उसमें कितनी भी सीट खाली हो, चाहे कितने बंदे वोट नहीं देना चाहते हो, चाहे कितने बंदे एब्सेंट हुए उस दिन, समझ आ रही है मेरी बात? अरे एब्सोल्यूट मेजोरिटी, आ रही समझ में? अब आता है आर्टिकल 368 की कहानी, आर्टिकल
368 क्या कहता है? ये कहता है, ये दो टाइप की मेजोरिटी बताता है, है ना। एक तो एक पहली बात करते हैं, एक बोलता है 50% मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है, क्या कहता है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर शिप ऑफ द हाउस प्लस मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड सही है बंदे ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मान लो यानी एक क्राइटेरिया क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए पहली चीज तो, आया ना, बिल को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए चाहिए, यानी 273 बंदे चाहिए चाहिए। मान लो 545 में से 545 मेंबर्स में से उस दिन सेम वही पहला वाला फॉर्मूला क्या था रे, 100 बंदे एबसेंट हो गए, क्या हो गए, 45 बंदे नॉट वोटेड। कितने बचे, 400, या फिर 100 और कर लो, इसको 200 कर लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। कितने बच गए, 300 बच गए। ये 300 है प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझ आ रही है, इसकी 2/3 चाहिए हमें, यानी कि 2/3 ऑफ 300 कितना आ गया, 200 प्लस 1 तो 201 चाहिए हमें, सॉरी 200 हो गया ना, कितना हो गया, है ना, 201 मामला चाहिए 2/3, और साथ में ये चाहिए। देखो अगर कोई सपोज मान लो इन 300 में से, ध्यान से सुनना, आप 300 लोगों ने वोटिंग डाली एक बिल के पक्ष में, समझ आ गई, जिसमें से 250 ने बोला कि हाँ बिल पास होना चाहिए, 50 बोले नहीं होना चाहिए, नो यस, समझ आ रही कहानी। तो एज पर दिस क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया तो फॉलो हो गया, 201 से पार है, है ना, लेकिन ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ, वो 273 वाला है ना, तो बिल पास नहीं होगा। ये तो पार हो गया लेकिन ये पार नहीं हुआ, क्योंकि आ तो एट द एंड 250 ही रहे हैं, अरे समझ में, तो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बनेगा, ये कहानी है, इसको दिमाग में बिठा लो, अरे समझ में, बेस्ट कहानी। अगला वाला पार्ट 368 के अंदर ही आता है, साथ में क्या हो गया, रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, किस मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी वर्किंग मेजोरिटी एटसेट्रा, आ रही है बस समझ में, आया ना, आई रे, मतलब अच्छा रेटिफिकेशन, अच्छा यहां पर नहीं आए तो ना वही समझाया नहीं, मुझे लगा आ जाएगा। मान लो ऐसा कुछ आया कि आज से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलए साहब नहीं बैठेंगे, ठीक है, तो ये फेडरल फीचर को हटाने की बात कर रहा है, फेडरल फीचर करवाया था, तो जब ऐसी बात होगी तो 368 के तहत दूसरी वाली मेजोरिटी यूज होगी, उसमें क्या होता है, ये वाला मामला फॉलो होगा ही होगा, है ना, ये जो अभी करवाया, साथ में बिल जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कितने स्टेट है, 28 स्टेट के पास बिल जाएगा, जैसे ही हाफ ऑफ द स्टेट्स 14 स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको मंजूरी दे देंगे, पास कर देंगे सिंपल मेजोरिटी से, आया बिल, बोला अब इसमें वोटिंग कर लो, उस दिन मान लो 5 बंदे आए हैं, उस दिन मात्र 5 बंदे आए हैं, 5 में से 3 ने कह दिया हाँ पास है, तो पास है मामला सिंपल मेजोरिटी से, समझ आ गई कहानी। तो जैसे ही 14 स्टेट की लेजिस्लेचर ये कह देंगी कि हाँ भाई हम मंजूरी देते हैं, वैसे ही वो बिल 15वें स्टेट का वेट नहीं करेगा, वो सीधा पास वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास कि देखो भाई ये 14 स्टेट्स हैं, हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं जिन्होंने मंजूरी दे दी है, आप इस बिल को पास करिए, आगे बस समझ में, रेटिफिकेशन पास बेसिकली, आ रही है, ये 368 के तहत है। एक होता है इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या होता है, लिख लिया इसको या पता है, ठीक है, इंपीचमेंट को जो तो नहीं पता वो लिख लेना, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ये होती है आर्टिकल 61 के तहत की मेजोरिटी। मैंने बताया था इंपीचमेंट करना बहुत खतरनाक काम है प्रेसिडेंट का, तो खतरनाक की मेजोरिटी चाहिए, तो यानी इनको चाहिए होती है 2/3
ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, कितनी है 545, इसकी 2/3 चाहिए होगी, 3 वन जा 3, 2 4 3 8 जा 3 वन जा 3, सपोज, ठीक है, 2 वन जा 2 2 जा 16 1 2 जा 2 3 362 प्लस 1, तो 363 वोट चाहिए लोकसभा में पास होने के लिए। मान लो 545 में से वोटिंग करी लोगों ने, 300 हाँ में बोले, और ये जो 243 थे उसमें से ये नो में बोले, तो नहीं हटेगा प्रेसिडेंट, क्योंकि 363 चाहिए मामला। दिख रहा है कितनी खतरनाक मेजोरिटी है, 2/3 ऑफ मेंबरशिप, हटाना बड़ा मुश्किल है। यही कारण है आज तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच ही नहीं हुआ, कोई भी, इतनी खतरनाक मेजोरिटी है। अमेंडमेंट तो हो गया है लेकिन इम्पीच नहीं हुआ है, 2/3 ऑफ मेंबरशिप ये मेजोरिटी चाहिए उसको, ठीक है, दिस कॉल्ड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये अंडर आर्टिकल 61 आता है, ठीक है। एक होती है इफेक्टिव मेजोरिटी, क्या इफेक्टिव, ये सिर्फ इम्पीचमेंट के काम आती है और कहीं नहीं काम आती, इफेक्टिव मेजोरिटी इसे कहते हैं, इसका नाम क्या होता है देखो, मेजोरिटी, जब भी ऐसा लिखा हो मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, जब भी ऐसी बात करी हो तो उस टाइम पे मेजोरिटी किसकी बात होगी, इफेक्टिव मेजोरिटी की बात होगी, समझ आ रही है रे। इसमें क्या होता है, टोटल सीट में से क्या माइनस करते हैं, टोटल, ऑल द देन मेंबर का मतलब क्या होता है, ऑल द देन मेंबर का मतलब ये होता है, ऑल द देन मेंबर्स का मतलब क्या होता है, ये होता है टोटल सीट्स में से माइनस कर देते हैं वैकेंट, वैकेंट मतलब जो लोग इलेक्ट हो गए उनकी डेथ हो गई या फिर रिजाइन कर दिया या किसी भी कारणवश एबसेंट, नहीं एबसेंट है तो यानी उसकी सीट तो है, है ना, एडमिशन तो हो रखा है उसके स्कूल में, राइट, वैकेंट वो होती है, इसमें एबसेंटीज काउंट होते हैं, याद रखना इस बात को। तो टोटल सीट में से सपोज 545 सीट है, 545, 145 खाली हो गई, 100 मर गए ये लोग, ठीक है, तो 400 बंदे ऑल द देन मेंबर हैं बेसिकली, समझ आ गई। तो ये इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ यूज होती है, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन हटाने के लिए, स्पीकर ऑफ राज्यसभा, क्या बोलते हैं उसको, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को हटाने के लिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा को हटाने के लिए ये वाली इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होती है। इसे इफेक्टिव स्ट्रेंथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इतने टाइप की मेजोरिटी होती है। एक आर्टिकल 249 के अंडर होती है, वो बेसिक है, समझ आई, वाइस प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा का हेड होता है, हाँ, चेयरमैन, चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरमैन होगा, वो कौन होगा, वो डेप्यूटी चेयरपर्सन होता है, क्या होगा मतलब, ये इस एमपी ऑफ राज्यसभा जनरली, उसी में से सेलेक्ट करके डेप्यूटी चेयरमैन सेलेक्ट कर देते हैं। 249 होते हैं, राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास करेगी कि भाई हम चाहते हैं स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सके तो बनाएंगे वो लोग राज्यसभा को, लेकिन कैसे पास करनी पड़ेगी, 2/3, यही जो अपनी 368 वाली थी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसमें 50% वाला मामला नहीं यूज होता, समझ आ गई, ये यूज होता है बस, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ है, 245, मान लो उस दिन आए कितने बंदे, 200, उस दिन आए 198, ठीक है 198 आए, समझ आ गई 198, तो उसका 2/3 कितना होगा 198 का, 3 जा 3 6 जा 3 6 जा, तो 2 जा 12 2 जा 12 13 132, उस दिन किसी ने वोट किया 198 में से, 100 ने वोट किया, 90 ने बोला नहीं, सॉरी 98 ने बोला, 100 ने बोला यस, तो नहीं होगा पास, कि 132 थी चाहिए इसकी, जिस दिन वो प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले मामले, समझ आ गई, 2/3 ये तब यूज होगी, दिस इज अंडर आर्टिकल 349, इसका मतलब होता है जब राज्यसभा कोई ऐसा लॉ पास करेगी इस मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबरशिप मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग, जब उनको पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट में कोई लॉ बनाना पड़ेगा, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर ना हमारा, ये यूनिटरी फीचर है ना, हाँ, पर ये तो फेडरल होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव साइड है ना, समझा नहीं मैं, जैसे कुछ भी चेंज करना है तो गवर्नमेंट के लिए चेंज करेंगे, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना,
अकॉर्डिंग टू फेडरल फीचर व्हाट यू मीन फेडरल दैट ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट हैड द सेपरेट पावर दे हैव सेपरेट लिस्ट. कभी कभी क्या होता है जरूरत पड़ जाती है कि सपोज मामला आया कि देखा सबने देखा हर घर के हर एक स्टेट पुलिस जो है बेकार हो रखी है ना. देख रहे हो स्टेट पुलिस क्या है बेकार हो रखी है मामला. ठीक है तो इस केस में क्या होगा राज्यसभा एक लॉ पास करेगी आप पुलिस वाले सब्जेक्ट में एक लॉ बनाइए कि कोई भी स्टेट इतने इसे कम खर्चा नहीं करेगा. समझ आ रही है तो स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बनाने की बात हो रही है. वो पार्लियामेंट तभी बनाएगा जब राज्यसभा पार्लियामेंट को ये पावर देगी. राज्यसभा का तुम पूछो ना क्या इंपॉर्टेंस क्या है. राज्यसभा की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है. एक इंपॉर्टेंस ये है कि बिना किसी अमेंडमेंट के आपका पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है अगर राज्यसभा पास करती है ऐसा रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग. ये कहानी है. तभी तो दिए उसको राज्यसभा पावर कि हम एक तरह से स्टेट के बंदे हैं. स्टेट वाले 2/3 से पास करेंगे यानी स्टेट की जरूरत है. अब हर एक स्टेट के पास जाएंगे तो टाइम लग जाएगा. तो राज्यसभा को ये पावर दे दी. पांच सर्कमस्टेंसेस में राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट सब्जेक्ट में. करवाएंगे इसके बारे में पार्लियामेंट के बारे में. उसमें से एक एक क्राइटेरिया क्या है आर्टिकल 249 याद रखना पूछूंगा. ठीक है एक तो ये नेशनल एमरजेंसी सब बहुत अलग चीज है बताएंगे अभी. समझ आया मेजोरिटी के बारे में. तो आज का टॉपिक है एमरजेंसी. क्या टॉपिक है आज का एमरजेंसी. एमरजेंसी प्रोविजन करवाएंगे. क्या करवाएंगे एमरजेंसी प्रोविजंस करवाएंगे. ठीक है पढ़ते हो नहीं हो एमरजेंसी प्रोविजंस. ओके विल डील विथ एमरजेंसी प्रोविजंस. एमरजेंसी क्या है देखो यार एमरजेंसी प्रोविजंस जानबूझ के डाले गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन आए जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में हो. कंट्री खतरे में हो ठीक है दिक्कत हो एक एमरजेंसी सिचुएशन हो जिससे भारत की एकता और अखंडता टूटने का डर हो तब एमरजेंसी प्रोविजंस यूज करे जाते हैं. फाइनेंशियल खतरा हो ठीक है जैसे क्राइसिस हुए थे 1991 क्या हुए थे शांत कैसे हो गए अचानक से हवा उठती है फिर चुप हो जाते हो. हाँ बोलो ओपन इकोनॉमी नहीं थी तो रिजर्व्स खत्म हो गए थे हमारे पास बहुत कम हो गए थे लाइक 10-12 डेज के बचे थे करेंसी गिर गई थी वहाँ फेमाइन भी आ गया था फूड शॉर्टेज थी. पार्ट 18 में ठीक है भाई पार्ट 18 में आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 आर्टिकल 360 दे डील्स विद एमरजेंसी प्रोविजंस. समझ आ रही है आर्टिकल 350 तीन टाइप की एमरजेंसी हो गई एक तरह दिख गई तीन आर्टिकल तीन टाइप की एमरजेंसी. पहली एमरजेंसी को कहते हैं आर्टिकल इसके तहत जो होती है इट्स कॉल्ड नेशनल एमरजेंसी. इट्स कॉल्ड नेशनल एमरजेंसी. भर लेते हैं भाई इंक भर लेते हैं बढ़िया टॉपिक है आज मजा आएगा. तीन टाइप की इमरजेंसी है टोटल. इन टोटल वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज. वन इज नेशनल इमरजेंसी अनदर इज प्रेजेंट रूल एंड अनदर इज फाइनेंशियल इमरजेंसी. जो क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में जो सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं वो मेनली किस पे आते हैं कि भाई ये इमरजेंसी लगाता कौन है ठीक है इसको लगाने के प्रोविजंस क्या है जब ये इमरजेंसी लगती है क्या क्या बदलता है कौन सा स्ट्रक्चर बदलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारे सेंटर और स्टेट में जो पावर्स होती हैं सेंटर स्टेट पावर्स एग्जीक्यूटिव रेगुलेशन लेजिस्लेटिव रेगुलेशन फाइनेंशियल रेगुलेशन क्या चेंज आता है क्या फंडामेंटल राइट पर इफेक्ट पड़ता है और पड़ता है तो कितना पड़ता है. ये आपके क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में. डिक्टो छपा छपाया मामला आता है डिक्टो एकदम यहां से कॉपी करेंगे और छाप देंगे. बहुत इजी है बहुत अच्छा प्रोविजन है. वर्ल्ड की किसी भी डेमोक्रेसी में ऐसा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया हमने बनाया हमने बनाया ठीक है बढ़िया चीज एकदम.
कि भाई कोई भी अचानक सिचुएशन आए तो फटाक से उसको हैंडल कर लो। क्या जरूरत थी बनाने की इसकी? ताकि एकता और अखंडता बरकरार रहे, ठीक है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना करना पड़े कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी बना दें, एक बार में यूनिटरी बन जाए तो सेंटर पावरफुल हो जाए और सारी सिचुएशन टैकल कर लेगा, ठीक है। डील करते हैं पहली इमरजेंसी पे, तो लिख लो पहले हल्का सा, अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है। नंबर 1, इसको कहते नेशनल इमरजेंसी है लेकिन इसका रियल नाम क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नंबर 1 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानी जाती है ये। प्रोक्लेमेशन, तुम बार बार यस सर बोला करो। यस भैया, क्या बोलना? यस भैया, जोर से क्या बोलना? यस भैया। नंबर 1 प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओए नंबर, ये किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 352, ठीक है। हाँ भाई बोलना है? हाँ भैया। अंडर आर्टिकल 352 दिस नेशनल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी केम, ठीक है। देन आर्टिकल 356 केम, इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंशियल रूल। बिना बोले बोलना है, जल्दी जल्दी क्या? हाँ, अंडर आर्टिकल 356 नेशनल प्रेसिडेंशियल रूल केम, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रूल, इसको और क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं इसको, लिख लो। ऑल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। क्या इमरजेंसी होती नहीं है वैसे, ये प्रेसिडेंट रूल होता है। बताएंगे क्यों कहते हैं इसको प्रेसिडेंट रूल? विल लेट यू नो रूल। हाँ जी हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ भैया, तो बोल रहे हो तुम, क्या सुना? प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एक ही बात है। देन आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आज तक नहीं लगी। बेशक फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे लेकिन लगी नहीं आज तक, ठीक है भाई। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाएगी? 3 ग्राउंड्स हैं, 3 ग्राउंड के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड आर्म रेबेलियन, ठीक है। इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड बाय 3 प्रोविजन, दैट इज वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन, देन प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी ऑन द अबव 3 ग्राउंड्स। अब मैंने बताया इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हारा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या होता है प्रेसिडेंट? नॉमिनल, यस ही इज अ नॉमिनल हेड, और डिफेक्टो क्या? और क्या बोलते हैं? स्टेट का वो बोलते हैं, नॉमिनल हेड और हेड ऑफ स्टेट डीजी और हेड। नॉमिनल यानी कि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में सोच भी नहीं सकता है, जो वो सोचेगा तभी ये कैसे, उसको कैसे पता लगेगा कि वॉर होने वाला है, एक्सटर्नल एग्रेशन होने वाली है, कुछ हो गया है ऐसा करके। जब आपकी कैबिनेट, पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देता था, पहले एक प्रोविजन था इसमें, व्हेन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस द प्रेसिडेंट दैट सिचुएशन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ दीज 3 और एनी ऑफ द 3 दैट यू शुड डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी। लेकिन अब प्रोविजन क्या है, हुआ क्या था यार, इन 1975 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाने को बोला प्रेसिडेंट साहब को, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने बिना मिनिस्ट्री मंडल से पूछे हुए जाके बोल डाला। प्रेसिडेंट साहब तो बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर आया तो क्या दिक्कत है, उन्होंने इमरजेंसी लगा दी।
तो बाद में प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर करा कि इमरजेंसी लगा दी गई है, फिर बाद में लोगों ने साइन करा कि चलो ठीक है अब हाँ तो हो ही गई है, हमारे पास ऑप्शन थोड़ी बचा। ये चीज बड़ी दिक्कत थी। एक आदमी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, एक आदमी ने, राइट, एक इंसान ने। देन व्हाट हैपेंड, जब नई सरकार आई उसने 48 अमेंडमेंट एक्ट के तहत, 48 अमेंडमेंट एक्ट 1978, मैंने बताया था इसके बारे में कि इसने बहुत सारे प्रोविजन चेंज किए है ना। तो इसने क्या करा, इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा, 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसने क्या करा कि बोला कि सिर्फ प्रेसिडेंट की एडवाइस नहीं चाहिए, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं चाहिए, कैबिनेट की एडवाइस चाहिए। किसकी एडवाइस चाहिए? कैबिनेट। और कैबिनेट की भी ऐसे नहीं, बोल दिया रिटन एडवाइस। प्रेसिडेंट साहब, क्या प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी तभी लगाएंगे जब पीएम प्लस कैबिनेट आएगी क्या लेके, रिटन लेटर, रिटन एडवाइस, रिटन में लिख के देगी क्या कि भाई इनमें से कोई एक सिचुएशन अराइज हो चुकी है कि आप जो है इमरजेंसी लगा दो कैबिनेट के एडवाइस से, कि पीएम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैबिनेट, तो पीएम हटा ही लो। कैबिनेट, कैबिनेट क्या होती है, उन्होंने बताया था उसने, तीन चार मिनिस्टर बताए थे, कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। ओके, जब ये लोग आएंगे प्रेसिडेंट को रिटर्न एडवाइस देंगे तभी प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी लगाएंगे, अकेला प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो नहीं लगाएंगे। साफ सीधी बात आ गया समझ में, ऐसे लगती है इमरजेंसी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आज वॉर हो ही रहा है, अगर उनको लगेगा कि वॉर होने वाला है तब भी लगा सकते हैं। आकांक्षा, क्या बोलते हैं उसकी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी होगी तब भी लगा सकते हैं। एक टाइप भी है, नहीं भी है, वॉर तो डिक्लेयर ही हो गया, वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन जैसे अभी हुई थी चाइनीज साइड से, एग्रेशन हो गई, बिल्कुल लग सकती है, लेकिन वो तो टैकल हो गई, राइट। जब उन्हें लगता ही नहीं हो रही तो पकड़े थे। अब जैसे आपके जो बोर्डो वगैरह हैं, अचानक से क्या करा इन्होंने, एग्रेशन कर दिया फटाक से किसी एरिया में जाके एग्रेशन कर दिया, उस टाइम में क्या करेंगे, लगा दे, वॉर थोड़ी है, एग्रेशन हो गया, वहां के कंट्री ने वॉर डिक्लेयर किया, हमने वॉर डिक्लेयर नहीं करा, एग्रेशन हो रही है बस, एक्सटर्नल एग्रेशन। जैसे अभी रशिया ने एग्रेशन ही तो करा था, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एग्रेशन, लेकिन वो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी। दूसरी कंट्री होनी चाहिए, बोला ना अभी मैंने, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट में जो अपने ट्रैवल मूवमेंट्स इतने सारे बोर्डो वगैरह के है ना, जैसे आपके नागा के, नागा के लोग आपके एग्रेशन करते हैं, समझा रही है रे। अब सुन लो, अब ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एक बात आती है, पहले ये प्रोविजन जो तीन थे, सुनना ध्यान से, पता है ये डिफरेंसेस पे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज नोट दिस, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। जैसे प्रीएम्बल एक ही है, इमरजेंसी प्रोविजन एक ही है, फंडामेंटल तो बहुत सारे हैं, किसी भी आ सकते हैं, इसमें तीन टाइप की इमरजेंसी है। और पता है कमाल की बात, इन दो पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये तो बहुत छोटी सी है, ठीक है, इन दो पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, तुम जानोगे इसके बारे में, ठीक है। आज तक तो उस लगा ही नहीं होगी इमरजेंसी क्या होती है, बस इमरजेंसी होगी सीधा बाथरूम भागते हैं, हैं? ये नेशनल इमरजेंसी है भाई। तो बेसिकली सुन लो, ओए देखो, ये तीसरा जो नाम है आर्म्ड रेबेलियन, पहले नहीं था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब इसकी जगह था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, क्या था इसकी जगह पे, क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो जब पहली बार एमएनसी लगी हमारे इंडिया में, पहली बार लगी थी हमारे इंडिया में 1962 में चाइनीज वॉर, फिर लगी 1971 में, 1965 में क्यों नहीं लगी, क्योंकि ये लगी हुई थी ऑलरेडी, ओके, फिर लगी 1975 में। ये तो दो तो वॉर के बेसिस पे थी, ये लगी थी किसके बेसिस पे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के। हुआ गया था इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया था, बताएंगे इसका रहे कभी, मैं होमवर्क लिखो इसको, इसको मैं जानना चाहता हूँ, पता है नहीं, ठीक है, होमवर्क लिखो इसको, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो कि इंटरनल एमरजेंसी लगी क्यों थी, इंटरनल एमरजेंसी तुम्हें तो बताया भी होगा, कल तो पता मैंने ये छोड़ गए इसके, मैं कहा भैया बताएंगे तो मजा आएगा, डूब के मर जाओ, सुन लो, चलो बता ही देते हैं, नहीं भैया होमवर्क करके लाएंगे, क्या हो गया, होमवर्क कर लेना, फिर
होमवर्क करोगे, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जब ढूंढोगे समझ में आएगा, ठीक है। तुम बताओ क्यों लगी थी इंटरनल एमरजेंसी, क्यों लगी थी? अरे भैया वो डिस्प्यूट हो गया पॉलिटिकल रीजंस, ठीक है। तो बेसिकली काफी उस टाइम आंदोलन हुए थे काफी टाइम, लाइक तभी तो रीजन था, पहली बार 1977 में सरकार दूसरी बनी थी, समझ आ रही है? क्योंकि ये 75 में लगी थी, 25 जून 1975 को लगी थी और लगते लगते यहाँ तक आ गई थी सरकार, फिर नई बनी इस टाइम, एंड फाइनली यू गेट द जनता गवर्नमेंट, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम मोरारजी देसाई जी बने थे, इतनी ज़्यादा खतरनाक एमरजेंसी थी वो, जनता पार्टी, ठीक है। ये जो लालू यादव हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो मुझे छोटे छोटे नए बड़े बड़े नेता, मिस्टर मोदी वगैरह, नीतीश यादव, मुलायम सिंह जी, उस टाइम में स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे ये लोग, स्टूडेंट विंग के यूथ, बाद में सारे देखो कितने बड़े बड़े दिग्गज बने इस टाइम पे, देख रहे हो, सब यहीं से निकले, सारे लीडर्स यहां से उत्पन्न हुए, ओके। तो कहानी यही है कि ये जो मामला था ये बड़ा डिस्टर्बिंग था 1975 वाला, इसीलिए क्योंकि देखो क्या था, मैंने बोला इंटरनल डिस्टर्बेंस, राइट। तो ये बेसिक इंटरनल डिस्टर्बेंस कैसे भी हो सकते हैं, अब लाइक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, सरकार को लगा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रही है तो एमरजेंसी लगा दी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने यही किया था। तो बाद में इसको चेंज किया गया, बोला आंदोलन करना डेमोक्रेसी का हक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हक होता है लोगों का, ठीक है, राइट टू मूवमेंट, ओके, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, आंदोलन करना हक है इनका, फंडामेंटल राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो ये एमरजेंसी तभी लगेगी जब आर्म्ड रेबेलियन होगा, कोई बंदूक लेकर रेबेल कर रहा है तो नॉर्मल प्रोटेस्ट कर सकता है, आर्म्ड रेबेल नहीं कर सकता, बंदूक लेकर निकल पड़े। तो वर्ड बदला गया ताकि कोई भी किसी भी आंदोलन क्रांतिकारी पे या फिर कोई भी जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसके ऊपर जबरदस्ती का एमरजेंसी प्रोविजन थोप के पूरे देश को अपने कंट्रोल में ना ले ले, समझा रही है? तो पता लगा ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी क्या होती है, एमरजेंसी लगने के प्रोविजन पता लगे कैसे लगती है, अब एमरजेंसी लग गई, ठीक है। एमरजेंसी सरकार ने लगा दी, कैसे कैसे लगाई, कैबिनेट ने रिटन एडवाइस दी किसको, प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब ने डिक्लेयर कर दिया कोई भी तीन में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म रेबेलियन, ठीक है। एमरजेंसी पूरे इंडिया में भी लगा सकते हैं, किसी इंडिया के छोटे से पार्ट में भी लगा सकते हैं, समझा रही है, याद रखना इस चीज को। एक टाइम पे दो से तीन एमरजेंसी भी लगा सकते हैं, सपोज वॉर हो रहा होगा 1962 में, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, जैसे लगी हुई थी ना 1971 में एमरजेंसी लगी हुई थी ऑलरेडी, खिंच रही थी, इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वाला है ना, लेकिन जब एमरजेंसी थी इन स्पाइट ऑफ दैट न्यू एमरजेंसी केम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस 1975 इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अगेन, ओके। तो एक बार में दो से तीन बार एमरजेंसी भी लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉजेस पे, समझ आ गई इतनी सी बात आ रही है, अलग अलग प्रोविजन के बेसिस पे, बात पावर एक ही रहेगी, वैसे पावर तो एक ही है, नेशनल एमरजेंसी पूरे देश पे लगेगी या? यही बोला, पूरे देश में भी लगा सकते हैं, किसी देश के एक छोटे से पार्ट में भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो सेंटर के ऊपर है उनकी मर्जी, चाहे रेबेलियन आर्म्ड रेबेलियन तेलंगाना में हो रहा हो, पूरे देश में लगा देंगे उसके वजह से कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी लगा सकते हैं, यस। आर्टिकल 352 कंसीडर प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी कॉल्ड नेशनल एमरजेंसी, लगी एमरजेंसी, अब एमरजेंसी लगने के बाद क्या प्रोसीजर होता है ना, कितने दिन तक टिकेगी, कब तक टिकेगी, है ना, होना चाहिए ना, पता होना चाहिए। दोस्तों सुनो अब कहानी थोड़ी सी आगे, इतना काम हो गया, प्रेसिडेंट ने लगा दी एमरजेंसी, ओके, ये बदल गया 41 अमेंडमेंट, अभी लिखवा दूंगा इन सबको, लिखवा दूंगा, लिखने वाली चीजें। अब होता क्या है, जैसी एमरजेंसी लगा दी, एमरजेंसी लगाने के तुरंत बाद क्या होता है, एमरजेंसी को बिछाया जाता है कहाँ पे, पार्लियामेंट में, मतलब रखा जाता है, ठीक है। ये है लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, एमरजेंसी को रखा गया, लोकसभा में एमरजेंसी आई, प्रोविजन है हर एक हाउस एमरजेंसी को पास करेगा स्पेशल मेजोरिटी से, कौन सी वाली, वही वाली जो पहले वाली थी जो अभी तक सीखे तुम लोगों ने,
50% मतलब वही मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप है ना, यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, समझ आ गई। इस मेजोरिटी से पास करेगी लोकसभा भी राज्यसभा भी, कब कितने टाइम पीरियड में, लगने के बाद। लग गई ना एमरजेंसी, एमरजेंसी लग गई, ऑर्डर आया लोकसभा में रखा गया कि भाई एमरजेंसी लग दी है, इसको अप्रूव करो, अप्रूव करो इसको, एमरजेंसी लगी हुई है। कितना टाइम पीरियड, 30 डेज के अंदर अंदर, 1 मंथ कह सकते हैं, विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंडर ये जो एमरजेंसी लगी है, अगर लोकसभा ने अप्रूव कर दी, इन दोनों ने अप्रूव कर दी स्पेशल मेजोरिटी से, कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होती इसमें, नो जॉइंट सीटिंग कर दी, तो ही एमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी, वरना 1 मंथ के बाद एमरजेंसी अपने आप हट जाएगी, समझ आ रही है। तो लोकसभा को अप्रूव करनी पड़ेगी, समझ आ रही है, ये समझने वाली बात है, जहां ना लगे डाउट लगे रोक देना। सेम काम ये करेंगे, अब एक और केस, 1 महीने के अंदर अंदर, समझ आ रही है। अगर इन्होंने कर दी तो, जब सपोज इन्होंने अप्रूव कर दी, साइन हो गए, तो एमरजेंसी चलेगी कितने महीने तक, 6 महीने तक, कितने महीने तक, 6 मंथ तक चलेगी। अगले 6 महीने बाद सेम प्रोसीजर, फिर अप्रूव करेंगे ये लोग, ठीक है। ऐसे 6-6 महीने करके कितनी बार भी एमरजेंसी को बढ़ा सकते हैं आगे तक, अनलिमिटेड इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, 6-6 महीने। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 1 साल का प्रोविजन था, 1-1 साल पे कितने बढ़ाओ, अब ऐसा नहीं, ठीक है, समझा रही नहीं आ रही। एक और चीज, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये 2 महीने थे, कहां गया, 1 मंथ था ना ये, हाँ। ये 2 मंथ का टाइम गैप था, ठीक है, 2 मंथ का टाइम गैप था, आ रहा समझे, ये कहानी। अब आगे बात, यहां पे मान लो इस 1 महीने के अंडर, 1 महीने में जब वो एमरजेंसी पेश हो रही थी अप्रूव होने के लिए, लोकसभा गिर गई, लोकसभा का रेजोल्यूशन हो गया, मतलब कि डिसॉल्व हो गई, पीएम ने बोला या फिर मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, इस बीच सरकार गई, यानी वहां के मेंबर्स भी खत्म, इलेक्शन हो जाएंगे, है ना। तो उस टाइम बोलते हैं कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं, राज्यसभा इज नॉन डिसॉल्विंग हाउस, नेवर, कि उसके बंदे हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, तो कुछ मेंबर रहते हैं हमेशा, नेवर डिसॉल्विंग हाउस राज्यसभा, लोकसभा हो सकता है, ठीक है। कभी सुना राज्यसभा के मेंबर सारे खत्म हो गए, नो, लोकसभा के इलेक्शन आते हैं बार बार 5 साल में, राज्यसभा के हर 2 साल में आते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये नॉन डिसॉल्विंग हाउस है, कभी खत्म नहीं होता, ये हर 5 साल में नए इलेक्शन मांगता है, ठीक है। मान लो इस बीच ये डिसॉल्व हो गया 1 महीने के अंदर अंदर, मान लो कोई किसी कारणवश नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, या फिर कुछ भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने बोला भाई इसको खत्म करो, उसको नया इलेक्शन करवाएंगे, कोई भी केस हुआ, लोकसभा गिर गई, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा, जब तक लोकसभा नहीं आती तब तक एमरजेंसी रहेगी, ठीक है। लेकिन इस बीच राज्यसभा को इस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा, राज्यसभा को पास करनी पड़ेगी, लोकसभा नहीं तो या राज्यसभा करेगी, ठीक है। अब लोकसभा आई कब, सभी सपोज 4 महीने बाद इलेक्शन होके आए, जैसे ही लोकसभा फर्स्ट सीटिंग पे बैठेगी, क्या फर्स्ट सीटिंग पे बैठेगी, उसको अप्रूव करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज, यहां पर 30 डेज वाला मामला, तभी वो फिर 6 महीने के लिए चल पाएगी, तब से फिर 6 महीने देखेंगे वो लोग, आया समझ में, ठीक है। मतलब डिनाई का ऑप्शन नहीं है, डिनाई का नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा, नहीं करा तो खत्म इमरजेंसी, समझ आ गई। 1 महीना चलेगी फिर इमरजेंसी, अगर इन्होंने अप्रूव नहीं करा तो सिर्फ इमरजेंसी, अगर राज्यसभा ने अप्रूव नहीं करा, अगर लोकसभा गई हुई है तो चलेगी नहीं, फिर वो 1 महीने में खत्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड इन मीन टाइम, यस इन मीन टाइम, जब तक लोकसभा नहीं आती राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा तब ये इमरजेंसी चल पाएगी, अगर राज्यसभा नहीं करती तब भी खत्म हो जाएगी। और मान लो राज्यसभा ने कर दिया, लोकसभा नहीं आई, उसने अगले 30 दिन के अंदर उसको अप्रूव नहीं किया, एमरजेंसी खत्म, समझ रही है। एक बार अप्रूव कर दिया, एमरजेंसी लग गई 6 महीने के लिए, आ रही है समझ में, नहीं आ रही है, आ गई। अगले 6 महीने पे, 6 महीने खत्म होने से पहले उनको फिर से अप्रूव करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर, ठीक है, सेम प्रोसीजर, ये वाला, ये तो ये वाला नहीं रिपीट होगा, ये तो लग गई एक बार, अप्रूवल का रिपीट होता है, ऐसे रिपीट होती रहेगी 6-6 महीने पे, इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेशल मेजोरिटी है, यहाँ पे पहले सिंपल मेजोरिटी लगता था, 44th ने चेंज कर दिया, स्पेशल मेजोरिटी बोला, ठीक है। ये होगी लगने के प्रोसीजर, हटेगी कैसे, दो तरीके से हटती है एमरजेंसी। पहला तरीका,
प्रेसिडेंट जब चाहे हटा सकते हैं, जैसे डिक्लेयर किया लगाने का वैसे डिक्लेयर कर सकते हैं हटाने का, कभी भी एनी टाइम हटा दी। दूसरा तरीका, जब लोकसभा सिर्फ लोकसभा, यहां पर राज्यसभा का रोल नहीं, हटाने में राज्यसभा का रोल नहीं, हटाने में लोकसभा का, लोकसभा चाहेगी तो सिंपल मेजोरिटी से हटा सकती है कभी भी, ओनली लोकसभा। ये पता है, ये भी 44th अमेंडमेंट से आया, पहले सिर्फ प्रेसिडेंट ही हटा सकते थे, अब बोला मिनिस्ट्री तो कुछ भी करेगी ऐसे, तो एक नया प्रोविजन लाओ, लोकसभा एट द एंड इज द हाउस ऑफ पीपल, जो लोगों ने इलेक्ट किया है। लोकसभा के अगर ज्यादा बंदे चाह रहे हैं हटाने के लिए, सिंपल मेजोरिटी से पास कर, सिंपल देखो हटाने का आसान बनाया ना, क्योंकि खतरनाक प्रोविजन है यार, लगाने का हार्ड बनाया, हटाने का इजी बनाया, ताकि लोग इस चीज से हटे जल्दी। जब इमरजेंसी प्रोविजन ला रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम बोला था, ये बहुत डेडली वेपन्स हैं, बहुत डेडली वेपन्स, इट शुड बी यूज्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट। महाभारत देखिए, उसमें लड़ाई से पहले कितनी बार बातें करते हैं कि भाई संधि कर लो, कोई नहीं, दुर्योधन अगर सॉरी बोल देगा चलेगा, हम मान जाएंगे, लेकिन सबके सामने बेइज्जती करिए, सबके सामने सॉरी बोलना पड़ेगा, चलो पूरा राज्य नहीं दे रहे, 5 गांव दे दो, मान जाओ लड़ाई में कुछ किसी का भला नहीं रखा, तो लास्ट रिजॉर्ट होता है वॉर। ऐसे ही लास्ट रिजॉर्ट, जब बातचीत से बात नहीं संभल रही है तो इमरजेंसी लगा के उसको पावर से सॉल्व करना पड़ता है। ये देखो एक चीज बताना भूल गया मैं, इसमें बताना क्या, सुन साथ साथ सुन ही लो, अगर इमरजेंसी लगती है इन दो केसेस में, वॉर और एक्सटर्नल इमरजेंसी, समझ आ रही है, आया ना, तो बोलेंगे एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई गई है। क्या लगाई गई है? एक्सटर्नल, नेशनल इमरजेंसी क्या लगाई गई है? एक्सटर्नल इमरजेंसी। और जो आर्म ट्रिपल हुआ है तो क्या लगाई गई है? इंटरनल इमरजेंसी। समझ आ गई? तो दो टाइप की नेशनल इमरजेंसी होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। समझ आ गई? बस काफी है। अगला लिखो कि द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, तब कब लगा सकता है? तभी लगा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन, ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। गुड, फ्रॉम द कैबिनेट। अगर प्राइम मिनिस्टर अकेला लेके जाएगा तो नहीं मिलेगी, ठीक है, कि देखो मैंने रिटर्न दिए, बोला बाकी के साइन कहाँ हैं, ठीक है। काफी है, लिखो अब, हेडिंग डालो इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, नेशनल इमरजेंसी में सब हेडिंग डालो पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। लग गई, समझ आ गया, अप्रूवल और ड्यूरेशन लिख लो कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month। बोथ हाउस, अलग अलग बताया तो था, लोकसभा राज्यसभा, 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। पहले कितना था? 2 months। किससे 1 month कर दिया? वेरी गुड, लिख लो फिर कि हाउएवर, ये पूरी कहानी लिख लो, हाँ, हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड, हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड,
और द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस और द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एजमेंट टेक्स प्लेस लिखो नहीं और भी लिखो और द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन मंथ टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन देन द प्रोक्लेमेशन विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन वही इमरजेंसी हो अप्रूव नहीं करा डिसॉल्व हो गई then the proclamation लिख दिया गुड जल्दी जल्दी लिखो survives until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha From the first sitting of the Lok Sabha after its reconstitution. Provided that the Rajya Sabha has in meantime approved it. Provided that the Rajya Sabha in the meantime approved it. बताया था ना राज्य अप्रूव करेगी अब लिख लो अगली कहानी Once approved by the parliament, it continues for the six months. And it continues for the Once approved by the parliament, it continues for the 6 months. उन सपने में आए थे मेरे क्या कर दिया पूछ रहा था कुछ और सुधीर बोला था तो इजी है इतने में आग खुली ऐसे कुछ था ठीक है अब लिखो चलिए अब वही तो लिखो इसको क्या लिखा है सेंटेंस बोलो Once approved by the parliament, it continues for 6 months. And with periodical approval of the parliament, हर छह महीने के अंदर approve करना है. With periodical approval of the parliament, it can be extended for indefinite time. कितनी? लगा लो 500 साल तक. चलेगी. Emergency है, देश चल रहा है. And with periodical approval of the parliament, every 6 months. पार्लियामेंट बनाना सीख गए क्या हूं दोस्तों से बात हो रही है अभी तो नहीं कैसे दोस्त है भाई छोड़ गए इंडेफिनाइट पीरियड इनफाइनाइट ईयर्स ऑनलाइन चल रही है With periodical approval of the parliament every 6 months, the emergency continues for indefinite period, for any length of time. क्या है 6 months? ठीक है. With periodical approval of the parliament every 6 months, the emergency continues for indefinite period, for any length of time. समझा रहे हैं कहानी? सुन लो रे. सुनो. अरे वो भाई इनफाइनाइट नहीं इंडेफिनाइट तोड़ दूंगा हाँ
लिखो अब इसमें पहले क्या होता था, एक बार अप्रूवल मिल गया फिर एग्जीक्यूटिव कितने टाइम के लिए भी चाह सकती थी कि भाई ला के रखो, बार बार अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती थी, एग्जीक्यूटिव का मन है कब तक लगाए। ठीक है, लिखो फॉर अप्रूवल बोथ हाउसेज रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, फॉर अप्रूवल बोथ हाउसेज रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी, लिख लो पता है तो, दैट इज एब्सोल्यूट प्लस 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। समझा कि पहले क्या होती थी, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता था। अब एडिंग लाओ रिवोकेशन, हटती कैसे है रिवोकेशन, कैसे हटेगी, लिखो रिवोकेशन, लिखो द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास देखो कितनी पावर है, लेकिन एक्चुअल में पीएम साहब के पास है, वो तो सोच भी नहीं सकते। प्रेसिडेंट बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, मतलब किसी अलग प्रोक्लेमेशन से, प्रेसिडेंट बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन कैन रिमूव, कैन रिवोक द इमरजेंसी एनी टाइम। आसान शब्दों में लिखा होगा तो बुक वाला मुखी होगा। ठीक है, ठीक है। सेकंड, एक तो एक सरी हटा सकते हैं। द सेकंड केस इफ लोकसभा, पहला तरीका, दूसरा तरीका, इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर रिवोकिंग द इमरजेंसी बाय सिंपल मेजोरिटी, इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर रिवोकिंग इमरजेंसी बाय सिंपल मेजोरिटी, सिर्फ लोकसभा की बात करें, कल मैं तो बोला पार्लियामेंट बोला, ठीक है, देन इमरजेंसी कैन बी हैव टू बी रिमूव, द प्रेसिडेंट मस्ट रिमूव द इमरजेंसी। क्या बोल दिया, रिवोकेशन क्या है, समझ गए ना, क्या इफ लोकसभा पासेस अ रेजोल्यूशन फॉर रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी बाय सिंपल मेजोरिटी और वर्किंग मेजोरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मेजोरिटी, देन द इमरजेंसी हैज टू बी टर्मिनेटेड। ओके, सही है, काफी है। वो अलग है, वो सीआरपीसी की धारा है, वो इमरजेंसी नहीं है, वो तो कानून के तहत कभी भी लगा सकते हैं, उसमें इकट्ठा होना बंद हो जाता है, एक जगह पे चार या चार से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, कर्फ्यू टाइप, ठीक है, ये इमरजेंसी है, इसमें क्या क्या, उसमें तो बस इकट्ठा होना बैन है, इसमें देखो क्या क्या बैन है, लिखो इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तीन टाइप के इफेक्ट हैं, ठीक है, नंबर वन लिखो इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, अच्छा मिस्ट्री बुला रही है, इफेक्ट ऑन, अगला लिखो इफेक्ट ऑन, इसके अंदर कुछ लिखना नहीं, लाइफ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लिखवाऊंगा नहीं इसको, बताऊंगा बस, लिखवाऊंगा फंडामेंटल राइट वाला, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, स्टेट की जो जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान क्या कैपिटल राजस्थान की, हंस रहे हो, अबे ओ इतना लगाव कैसे है तुम्हें, जयपुर है, सभी को पता है, राजस्थान का सभी को पता है, क्या राजस्थान की सबको पता है, बाकी को नहीं पता होगा। ओके, मुझे भी ऐसा लगता है 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, सबको पता होगा, पता चल गया जयपुर है। प्रेम बल किसका था, तुम्हारा क्या था, मेरा था प्रेम बल, सेलेंट फीचर्स, क्या क्या फीचर है, अटक गई सांस, अटक गई भाई साहब, याद है सारे, नहीं याद, पूछेंगे तुमसे ही पूछेंगे, बच गए, तुम्हें ऐसा लग रहा है, वहम है, दो बंदे एक साथ आएंगे।
टॉपिक्स। थर्ड लिखो, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट। देखो यार क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, समझ आ रही है? हाँ भाई, क्या पे काम बात करेंगे? इफेक्ट ऑन, अगला है इफेक्ट ऑन एफआर। देखो यार, जो नेशनल इमरजेंसी है उसका इफेक्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कैसे होते हैं? देखो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर थ्री टाइप्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, समझ आ रही है? फाइनेंशियल ले लो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, क्योंकि जुडिशरी तो अलग है एकदम मामला, है ना? एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव वाले, पावर वाले मामले, मिनिस्टर्स वाले मामले। तो सेंटर कोई भी डायरेक्शन दे सकती है किसी भी स्टेट को कि आज से यहां पे बैन लगाओ, बोले बैन लगा देंगे। किसी भी स्टेट सब्जेक्ट में तुम्हारी पुलिस यहां पे आज से काम नहीं करेगी, नहीं करेगी। किसी भी स्टेट सब्जेक्ट में जो भी पावर होगी स्टेट के पास, उसके तहत ऑर्डर दे सकती है, जैसे माँ बाप हमको देते हैं, नेशनल इमरजेंसी, समझ आ रही है? कंप्लीट कंट्रोल में आ जाता है स्टेट सेंटर के, कंप्लीट कंट्रोल में। गवर्नमेंट फेडरल से यूनिटरी बन जाती है एक मिनट में, इमरजेंसी लगते हैं साथ ही, समझ आ रही है कहानी? लेजिस्लेटिव में क्या फर्क आता है, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है, आज से यूपी की पुलिस टोपी नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी, आज से यूपी की जो भी है, मतलब तो ये कहानी, आज से गंगा रिवर का पानी वहां पे इतना ही जाएगा, इतना ही निकाल सकते हो, काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है? आज से इतने पेड़ कटेंगे, इतने पेड़ कटेंगे, ऐसे करके स्टेट सब्जेक्ट में पार्लियामेंट कभी भी कैसे भी लॉ बना सकता है, इफ देयर इज अ नेशनल इमरजेंसी। लेजिस्लेटिव समझ आया, ठीक है? फाइनेंशियल में क्या है, सरकार चाहेगी कि भाई थोड़ा सा पैसा कम कर दो, स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को कम पैसा दो, ऐसा लग रहा है, ठीक है? फाइनेंशियल रिलेशन में ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। खैर, फाइनेंशियल रिलेशन कैसे चेंज होंगे कि जैसे सेंटर के पास ना एक राइट होता है ग्रांट्स देने का, जो भी टैक्स आता है उसका कुछ पार्ट सेंटर को स्टेट में बांटना होता है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280, ओके? वो ग्रांट्स रोक भी सकता है, कम भी दे सकता है, बोले कि वॉर चल रहा है, हमारा पैसा यहाँ जाएगा सारा, हम नहीं देंगे आप, बोला ठीक है, नेशनल इमरजेंसी है, ओके? तो ये फाइनेंशियल रिलेशन में दिक्कत आती है, ये आप घर में पढ़ना, लिखवा नहीं रहा इनको, बता दिया मैंने क्या क्या रिलेशन बता रहा हूँ, ऐसा रखना दिमाग में जब भी नेशनल इमरजेंसी आए, यूनिटरी हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ के समझ आना चाहिए। ऑप्शन पढ़ा, ऑप्शन में लग रहा है सेंटर को पावर दी गई है, यानी कि सही है, ऐसा समझना, ठीक है? वो सही ही होगा मोस्टली, एक एक ट्रिक बता रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस जो जो होगा लिखा हुआ है बता दिया है। अगला आता है इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। एक बार में आप लाइफ बढ़ा सकते हो पार्लियामेंट की बाय पासिंग अ सिंपल लॉ, स्पेशल नॉट रिक्वायरिंग स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, एक साल तक, पांच साल के लिए बनती है सरकार, पांच से छह साल कर सकते हो, सात साल कर सकते हो, आठ साल, एक बार में एक एक साल एक एक करके बढ़ा सकते हो, सेम सरकार रहेगी जब तक रखनी है, ओके? सेम चीज वो क्या कर सकती है, पार्लियामेंट अपने साथ भी कर सकती है और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर्स की लाइफ भी बढ़ा सकती है। जैसे जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने दो बार लाइफ बढ़ाई थी, दो बार, लेकिन बाद में पांच साल दस महीने कहके हट गई थी, समझा गई? तो सबसे लंबी लोकसभा थी वो पांचवी, फिफ्थ लोकसभा वॉज द हाइएस्ट लॉन्गेस्ट टेन्योर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिफ्थ लोकसभा, पांचवी, याद रखने वाली बात है। फंडामेंटल राइट, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, देर आर टू आर्टिकल्स 358 एंड 359, बताते हैं इसके बारे में। हाँ भाई, कुछ याद होगा, कोई फंडामेंटल राइट दिया था किसी को होमवर्क? वेरी गुड, क्या था? दो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, ये कहते हैं जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी फंडामेंटल राइट को हर्ट होगा। कैसे? पहला हर्ट, आर्टिकल 358 कहता है जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी, एनी ऑफ द अबव थ्री, ऐसे करके लाइक वॉर फलाना फलाना, वॉर डिक्लेरेशन, आर्म रिबेलियन, आर्टिकल 19 चला जाएगा बिना किसी डिक्लेरेशन के, नेशनल इमरजेंसी लगी आपका आर्टिकल 19 खत्म, वैनिस्ट एकदम, क्या बात समझ आएगी? इस दौरान पार्लियामेंट इमरजेंसी के दौरान
कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है जो आपका राइट टू फ्रीडम छीने, फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19, छह जो होते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, समझ आ गई? ये छह राइट आपके छीन सकता है पार्लियामेंट इस इमरजेंसी के दौरान ऐसा लॉ बना के। सुप्रीम कोर्ट को नल एंड वॉइड नहीं करेगा कि भाई ये फंडामेंटल राइट को हर्ट कर रहा है, समझ आ रही है, अंडर आर्टिकल 13 नहीं करेगा क्योंकि इमरजेंसी के दौरान बना है। लेकिन इसके लिए एक प्रोविजन आया, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने दिया, क्या बोला कि भाई ये तभी जाएगा जब एमरजेंसी इन दो केसेस में लगेगी, आर्म्ड रेबेलियन के केस में आर्टिकल 19 नहीं जाएगा। तो आज जो प्रोविजन आर्टिकल 358 कहता है, यही कहता है जो उन्होंने अभी बताया, जब भी एमरजेंसी लगेगी, आर्म्ड रेबेलियन या फिर एक्सटर्नल, सॉरी, जब भी एक्सटर्नल वॉर, इन दो केसेस में जब एमरजेंसी लगेगी, आर्टिकल 358 कहता आपका आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एमरजेंसी लगाई गई आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे, आर्टिकल 19 रहेगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा उस पे। आ रही है समझ में आई बात? एज पर आर्टिकल 358, ओके, एमरजेंसी के दौरान कोई भी ऐसा लॉ बना सकते हैं जो कि आपके आर्टिकल 19 को काटे। पहली चीज, जो भी गवर्नमेंट ऐसा काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, जिसमें आपको लगा आपका राइट टू फ्रीडम हट रहा है, आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते क्योंकि वो एमरजेंसी है, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन भी बचे रहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये कहानी थी। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोल दिया, बस इसको हटा के इस पे लगाएंगे और साथ में सिर्फ वही एक्शंस और वही लॉज बचेंगे, वही एक्शंस और वही लॉज बचेंगे ड्यूरिंग एमरजेंसी, दोज हु आर रिलेटेड टू एमरजेंसी ओनली। कोई ऐसा लॉ बनाया जो एमरजेंसी रिलेटेड नहीं है, एमरजेंसी को प्रमोट करने के लिए नहीं है, उसको हटा दिया जाएगा उसी बीच, उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, पता लगा एमरजेंसी लगी, किसी ऐसे घरेलू झगड़ा चल रहा था, पकड़े पीट दिया, समझ रहे हो कहानी, लेकिन पुलिस आई उठा के ले गई मर्डर केस में, बोला आर्टिकल 19 छीन लिया कि एमरजेंसी है, नहीं कर सकते एमरजेंसी रिलेटेड, वो तो केस ही अलग हो गया ना, समझ आई? तो ये चीज बीच में ही हो सकती है, क्या दिक्कत है? बीच में हो सकती है, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट When your right is related not to emergency, बाद में करो तुम्हारी मर्जी है, बीच में करो तब करो, लेकिन वो तो खिस्ता खिस्ता वही वाली बात है। कोर्ट ने बोला है दो सेफ गार्ड दिए इस 58 के तहत, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब दिस अंडर आर्टिकल अंडर अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, सिर्फ आर्टिकल 19 तभी हटेगा जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होंगी, सिर्फ वही लॉज और वही एग्जीक्यूटिव एक्शंस बच पाएंगे, इंडेमिनिफाई हो पाएंगे, इम्यूनिटी मिलेगी उनको जो कि एमरजेंसी रिलेटेड होंगे, ना कि अदर चीज से रिलेटेड, यानी सबके नाम पे एमरजेंसी का ठप्पा मार के ले जाओ, नो। ठीक है, अब आर्टिकल 359, मैंने क्या बोला इसमें, 359 जो 2021 की बात करी थी याद है, एमरजेंसी वो ही एमरजेंसी है। ये कहता है, इसमें क्या कहता है, प्रेसिडेंट अंडर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एक ऑर्डर साइन करेगा, उसमें लिखेगा, सपो बुल्सन लिखा आर्टिकल 30, 29, 28, 22 ऐसे करके लिख दिया, बोला इन आर्टिकल्स जो भी उसने लिखा है प्रेसिडेंट लिखेगा इसी ऑर्डर में कुछ फंडामेंटल राइट्स, सारे भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, एक भी लिख सकता है। बोले भाई ये आर्टिकल्स के आपके पास पावर नहीं है कोर्ट जाने के लिए। बेसिकली अंडर आर्टिकल 359 के तहत आपको कौन सा आर्टिकल जाता है, 32। ये आर्टिकल चलाता है क्या आर्टिकल 32, राइट टू मूव टू कोर्ट, राइट, ये जाता है। यानी मान लो उसने लिखा था यहां पे आर्टिकल 21A, ये लिख दिया राइट टू एजुकेशन, बोला राइट टू एजुकेशन मेरे बच्चे को नहीं मिली, स्टेटमेंट डिनाई कर दिया। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है आप इस आर्टिकल को, इस आर्टिकल के तहत नहीं ले जा सकते कोर्ट में। अरे ये समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, राइट टू मूव टू कोर्ट इज सस्पेंडेड अंडर दिस आर्टिकल, और किस किस आर्टिकल के लिए, जो इस ऑर्डर में डाले जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें वो 2021 नहीं डाल सकता, बताया था ना कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, 20 और 21 आर्टिकल कभी नहीं डाल सकता इसमें,
आप कोर्ट जा सकते हो जब भी आपकी क्या होता है आर्टिकल 20 ये बताएगा रोहित आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस ठीक है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस तीन चीज थी डबल जो पार्टी सेल्फ इनक्रिमिनेशन एक्स पोस्ट फैक्टो ठीक है और आपका एक किसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये चीज वो इस ऑर्डर में नहीं डालेगा ताकि आप इसके तहत जाना सको ये डिफरेंस है इसमें आर्टिकल 19 जब तक एमरजेंसी रहेगी तब तक नहीं रहेगा इसमें आर्टिकल 19 कब तक नहीं रहेगा जितना इसमें टाइम पीरियड लिखा होगा चाहे वो एक महीना हो चाहे वो पूरी एमरजेंसी हो चाहे वो दो महीने हो तीन महीने हो समझा रही कहानी डिफरेंस समझा रहे ना ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस है ही नहीं ऐसे जाते हैं फंडामेंटल राइट का इफेक्ट इन दो आर्टिकल के तहत इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स तो लिख लो हल्का सा इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स इसमें भी सेफगार्ड दिया गया था पहले नहीं था ऐसा इसमें भी दो सेफगार्ड दिए गए 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक तो 2021 नहीं लिख सकता ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया है प्रेसिडेंट इस ऑर्डर में 2021 को नहीं लिख सकता दूसरा ओनली दोज लॉज आर इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू दोज आर रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी नॉट अदर लॉज 44th अमेंडमेंट जनता गवर्नमेंट लिख यस तभी तो चेंज करा एक सहा कमीशन बैठा था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के इमरजेंसी के ऊपर उन्होंने बोला था ये इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं थी उन्होंने जबरदस्ती लगाई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं जरूरत थी तभी फिर उन्होंने फिर इस कमीशन के रिकमेंडेशन बेसिस पे इमरजेंसी प्रोविजन में बदलाव लाए ताकि कोई भी मनमानी ना कर सके शाह कमीशन प्रधानमंत्री नाम का एपिसोड मैं कितनी बार बोलता हूं प्लीज वॉच दैट मस्त मजा आता है देखने में पूरी कहानी 95% चीजें रेलेवेंट है उसमें 95% कितनी बड़ी बात है बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी ठीक है 95% चीजें रेलेवेंट है प्रधानमंत्री इस एपिसोड ऑन अवेलेबल ऑन यूट्यूब अवेलेबल है उसको देखना और अगर तुम्हें अच्छा और देखना है अपनी इसने पॉलिटी के बारे में एक संविधान करके एपिसोड आता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में डिबेट दिखाएंगे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर दिखाएंगे महावीर त्यागी दिखाएंगे नेहरू जी तो दिखेंगे उनके स्पिरिट दिखेंगे नकली में ठीक है उनकी बातें दिखेंगे उनके वर्ड्स दिखेंगे एक्टिंग दिखेगी ठीक है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिखेगा सब दिखेगा फंडामेंट ड्राफ्टिंग कमेटी दिखेगी 10 बंदे दिखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के आर्टिकल 358 एंड 359 डील्स विद द फंडामेंटल एफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स एफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स जेंटलमैन राइट डाउन अबाउट आर्टिकल 358 अंडर आर्टिकल 58 आर्टिकल 19 सस्पेंडेड ठीक है द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 said that as national emergency comes in on the grounds of war or external aggression the 44th amendment act said that as national emergency came on the grounds of War or external aggression only then national then fundamental right under article 19 suspended okay as per article 359 The President, under presidential order,
कैन सस्पेंड राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर सम और ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर सम और ऑल द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट बैलेंस है जीरो फॉर सम और ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 31 31 क्या है व्हाट इज आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गुड क्या फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है लीगल राइट है इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट इट्स बोथ अगला लिखो प्रेसिडेंशियल रूल प्रेसिडेंशियल रूल क्या बे प्रेसिडेंट रूल या फिर प्रेसिडेंट रूल लिखो अंडर आर्टिकल 356 ठीक है अब एक आर्टिकल है भाई आर्टिकल 355 प्रेसिडेंट रूल देखो क्या है रे आपका जो आर्टिकल 355 है आर्टिकल 355 आर्टिकल 355 कहता है सेंटर की जिम्मेदारी है माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं सेंटर की जिम्मेदारी है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा समझ आ रही है सेंटर की जिम्मेदारी है स्टेट की रक्षा करना इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड ऑल है ना जैसे उसमें हुआ यहां पे सेंटर की जिम्मेदारी है ये देखना कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं क्या स्टेट में कोई आतंकवादी संगठन तो नहीं पैदा हो रहा जो इंडिया के ऊपर लाइक मामला खराब करने के लिए खड़ा हो एक बता रहा हूं बस नॉर्मली क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर रही कि कुछ ऐसा कुछ काम कर रही हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के खिलाफ जा रहा हो आर्टिकल के खिलाफ जा रहा हो ऐसा तो नहीं कर रही कि भाई बोला है कि फंडामेंटल राइट होने चाहिए और हाईकोर्ट को हटाने का काम कर रही हो कुछ भी ऐसा ठीक है सिटीजनशिप जैसे लॉ ये आपके राइट्स हैं ऐसा तो नहीं कि सिटीजनशिप दे रही हो जो आर्टिकल्स में है ही नहीं उनको भी दे रही हो जो बहुत पहले आए हैं पाकिस्तान या बांग्लादेश से काइंड ऑफ दैट थिंग ये आर्टिकल सेंटर को राइट देता है कि ये देखने के लिए स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से चल रहा नहीं चल रहा जब भी सेंटर को ऐसा लगता है जैसे सेंटर कोई बात कही उसने ना मानी हो कॉन्स्टिट्यूशनल बात ये नहीं कुछ ही बोल दिया और वो नहीं करा तो उठा के पटक दो ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल बात कही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत कही उन्होंने नहीं मानी जैसे इलेक्शन हुए इलेक्शन कमीशन ने कोई बात कही स्टेट ने नहीं मानी ठीक है तो पंगा होगा इन दैट केस क्या होगा सेंटर अंडर आर्टिकल 356 सेंटर अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देगा कहां पे स्टेट में कब जब उसको लगेगा कि भाई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा क्या जब भी सेंटर को लगेगा स्टेट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तब वो क्या करेगा स्टेट में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देगा पहला केस कैसे पता लगेगा गवर्नर हर पीरियोडिकल 6 महीने 2 महीने 3 महीने पीरियोडिकल रिपोर्ट भेजता है स्टेट की प्रेसिडेंट को कि भाई स्टेट में ये मामला चल रहा है या तो उस गवर्नर की रिपोर्ट पे बेसिस पे लगा देगा या फिर बिना गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से भी लगा सकता है जब उसे खुद लगेगा कि भाई स्टेट में जो है सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है आई बात पहली समझ में नहीं आई पहली बात यह है केस पहला 356 में प्रेसिडेंट रूल 356 के तहत और कब लग सकता है दूसरा कारण दिया 6335 में दूसरा कारण किसमें दिया है कारण दिया है लगाएगा इसी के तहत इसमें दूसरा कारण है सेंटर ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दी स्टेट को उसने नहीं मानी तो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा वहां पर ठीक है दो केसेस से प्रेसिडेंट रूल लगता है क्यों बनाया प्रेसिडेंट रूल का कारण क्योंकि ऐसी ड्यूटी दी गई है
सेंटर के पास चेक करने के लिए, एमरजेंसी प्रोविजन है ना। कौन रोकेगा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन आपसे काम नहीं करेगा तो? सेंटर तो रोकेगा, तभी तो आपका अखंड भारत मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो वही कहानी है, समझाया? तो लिख लो कि नहीं लिखवा रहा, ये अपने आप पढ़ लेना घर में। लिखो, प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स, वन मेंशन्ड इन 356 इटसेल्फ एंड अनदर वन इज 365, अनदर वन इन 365। President rule can be proclaimed under Article 356 on two grounds. पहला लिखो, under Article 356, President issue a proclamation if he is satisfied that If he is satisfied that the government of state, it is advised that the government of state cannot be carried on cannot be carried on in accordance with the provision of constitution. In accordance of? Provision of constitution. अगला कारण लिखो, और कब कर सकता है? Provision of constitution. Under article 365, under article 365, state fails to comply with or to give effect to any direction to comply with or to give effect to any direction from the center, center ki baat nahi mani, to any direction from the center, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट, ये लॉफुल होगा प्रेसिडेंट के लिए, इट विल बी ऑफ द सेंटर, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट सिचुएशन हैज अराइजन दैट द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट the government of the state that situation has arisen that government of the state is not working according to the constitution Therefore, to declare President rule under Article 356. Reason इसमें लिखा है, लेकिन declare 56 से ही करेगा, ठीक है? Same कहानी जैसे वहां थी, यहां पे भी repeat होगी। President ने President rule लगा दी। अब क्या होगा? Approval Parliament ही करेगा। यहां पे थोड़ा अलग केस है। पहला केस, इनको जैसे National Emergency में कितना time चाहिए था approval करने के लिए? One month, starting है one month, है ना? इनको चाहिए 2 months। यहां पे क्या चाहिए? 2 months, क्या चाहिए? 2 months. बीच में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, वही काम सेम काम, प्रोवाइडेड 1 month, फिर 1 month चाहिए, फिर 30 days वाला। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा, पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा प्रेसिडेंट रूल 2 months के अंदर, ठीक है? अगर इस बीच लोकसभा हो गई डिसॉल्व,
राज्यसभा को करना पड़ेगा, और लोकसभा कब करेगी? जैसे ही फर्स्ट सिटिंग होगी 30 डेज के अंडर अंडर। समझ आ रही है कहानी? अरे कहानी समझ में? 30 डेज के अंडर अंडर कब आएगा? पहला टाइम 2 मंथ्स, लोकसभा बैठी, अगर बीच में डिसॉल्व हो गई होगी तो 30 डेज। पहला काम, एक बार लग गया 6 महीने तक चलेगा। कितने महीने तक? कौन सी मेजोरिटी चाहिए? सिंपल। प्रेसिडेंट रूल के लिए कौन सी है? सिंपल। आए दिन लगाते रहते हैं इसको, तो इतनी बार लगाया ना ये, ठीक है। पहली चीज 6 मंथ, 6-6 महीने करके मैक्सिमम 3 साल तक लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 3 इयर्स ओनली, मैक्सिमम 3 इयर्स ओनली। एक्सेप्शन एक, पंजाब में 5 साल तक लगा था कुछ, एक्सेप्शन है, बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। पंजाब लिख लेना, पंजाब एक्सेप्शन 5 ईयर्स तक लगा था कभी 1981 ऐसे करके टाइम में, उस टाइम लगा होगा, हाँ उसी टाइम लगा होगा, सही कह रहे हो, ठीक है। 6-6 महीने करके 3 साल। लेकिन एक और चीज, 1 साल बाद, सपोज 6 महीने हुआ, फिर 6 महीने 1 साल हो गया, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर प्रेजेंट रूल तब ही कंटिन्यू कर पाओगे जब 2 कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन, या तो किसी पार्ट में या पूरे देश में क्या लगी हो, नेशनल इमरजेंसी। दूसरा रूल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दे कि हाँ इट इज नॉट एडिक्वेट टू होल्ड द इलेक्शन इन दैट स्टेट, इलेक्शन नहीं करवा सकता मैं तो लगा के रखो वहां पे, तभी 1 साल के बाद 6 महीने के लिए बढ़ेगा, ठीक है भाई। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ा रहे हो तो। क्या? दोनों दोनों दोनों, बहुत कंडीशन, ठीक है, समझ आ गई। मैक्सिमम 3 साल, कि भाई स्टेट की पावर खत्म करो ना तुम, एक तरीके से खत्म पावर, तो नहीं चलेगा ये काम, ऐसे नहीं चलेगा, समझ आ गई। लिख लो इसको, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन लिखो इसमें, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन लिखो। इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। आई एम सॉरी, 2 मंथ्स लिखा है ना, 2 मंथ्स बस, ठीक है फिर 2 मंथ्स। वंस अप्रूव्ड इट विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स एट अ टाइम। After 1 year, following 2 conditions have to be fulfilled for continuance of presidential rule. After 2 months, following 2 conditions have to be fulfilled, 2 conditions, for continuance of president rule. समझ आ रहा राष्ट्रपति शासन क्या होता है? अब जब भी लगेगा देखना, पता लगेगा क्या कहानी है। पहली कंडीशन, नेशनल इमरजेंसी वॉज गोइंग इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी वॉज देयर इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सेकेंड कंडीशन, इलेक्शन कमीशन must certify that the election cannot be held on account of difficulty. Election commission must certify that the election cannot be held on account of difficulty. ये लिख लिया, 3 साल तक होता है ये। It can be
स्टेट क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी. इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिफिकल्टी. क्या लिखना है? इट कैन बिल्कुल सही. 1987 ठीक है, 5 साल तक लगाई थी वहां पे दबा के. ओके, प्रेजिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं. प्रेजिडेंट रूल आल्सो कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी. इसमें फंडामेंटल राइट का कोई रोल नहीं है. फंडामेंटल राइट आपके जिंदगी पर रहेंगे, फंडामेंटल का इससे कोई रिलेशन नहीं है. इसमें बस इफेक्ट होती है सेंटर स्टेट रिलेशन. क्या इफेक्ट होता है बताता हूं, सुन लो ध्यान से सुनना. जैसे प्रेजिडेंट रूल लगा, क्यों कहते हैं प्रेजिडेंट, नाम क्यों इसका प्रेजिडेंट रूल, कोई और नाम क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही स्टेट में ये स्टेट इमरजेंसी लगती है, वहां की सरकार को खत्म कर देते हैं, डिसमिस, सीएम खत्म. वेन एवर देयर इज अ प्रेजिडेंट रूल इन एनी ऑफ द पार्ट, बिहार यूपी, वहां की सरकार खत्म हो जाएगी, सस्पेंड. सरकार को किसको, एग्जीक्यूटिव को, सीएम और उसकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है. और कौन उसको हेड करेगा फिर? प्रेसिडेंट साहब. प्रेसिडेंट को हेड बना जाता है सीधा. गवर्नर को नहीं करेंगे, गवर्नर उसका, गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट का, समझ आ रही है? प्रेसिडेंट उसको बोलेगा ये करने का है, गवर्नर वही करेगा. इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट. गवर्नर रूल नहीं है, इस प्रेसिडेंट रूल, समझ आ रही है कहानी? गवर्नर रूल क्या है भैया? गवर्नर, अरे सेम ही है वो. गवर्नर रूल कुछ नहीं होता है, पहले तो कोई नाम ही नहीं है, लेकिन जनरली लोग बोलते हैं गवर्नर रूल क्यों है, क्योंकि एट द एंड प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट रूल इज नेम, गवर्नर रूल कोई रूल नहीं है. देयर इज नो रूल कॉल्ड गवर्नर रूल. गवर्नर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट हर जगह थोड़ी जाएगा. मान लो एक बार 5 जगह लग गया, ठीक है, तो कैसे हर जगह थोड़ी, कोई महादेव थोड़ी हर जगह प्रेजेंट रहेंगे. तो गवर्नर एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उसकी जैसे दे प्रेसिडेंट है, उसकी उंगलियां हाथ है, उसकी उंगलियां रिप्रेजेंटेटिव है, समझ आ रही है? तो गवर्नर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के कहने से ही काम करेगा, इसलिए प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है. वहां पे सरकार, जैसे अभी आपका ये है मामला, एलजी साहब इन दैट केस इन J&K, ठीक है, दे एक्ट एज अ व्हाट, दे एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट. सेंटर का हाथ है ना एकदम यूटी में प्रॉपर तरीके से, ये कहानी होती है. यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी इज रूल्ड बाय सेंटर. तो सबसे पहले गवर्नमेंट को डिसमिस करता है प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट रूल लगा, सबसे पहला काम क्या करता है वो, गवर्नमेंट को डिसमिस करता है. सेकेंड काम, असेंबली को सस्पेंड कर देगा, बोलेगा आज से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बैठेगी. क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? नहीं बैठेगी. पहले क्या करता था, सस्पेंड या डिसॉल्व, डिसॉल्व मतलब खत्म ही कर दिया, तो मैं आज से एमएलए ही नहीं हूं. डिफरेंस है, आज से नहीं बैठोगे, आज से तुम एमएलए ही नहीं हो. एक है सस्पेंड और एक है डिसॉल्व. डिसॉल्व तभी करेगा, रूल आया है 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद, डिसॉल्व तभी कर पाएगा जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर, तब तक सस्पेंड रहेगा. मान लो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मिला, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट, सेम, समझ आ रही कहानी? ये कहानी है, ये काम कहानी होती है. अब सस्पेंड हो गया असेंबली, तो वहां पे लॉ कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा. पार्लियामेंट पावर देता है लॉ बनाने की, किसको? प्रेसिडेंट को. उस केस में क्या था, नेशनल में सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाता था, कोई पावर नहीं दे रहा प्रेसिडेंट को. तो पार्लियामेंट बना सकता है स्टेट इमरजेंसी में लॉ, या फिर प्रेसिडेंट बना सकता है, या फिर प्रेसिडेंट जिस किसी बंदे को पावर देगा, यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रही है, मेरी जगह पे कोई और डिसीजन ले रहा है. डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक द लॉज इज देयर इन प्रेसिडेंट रूल. समझ आ रही है कहानी? ये चीजें हैं, ये है लेजिस्लेटिव अफेयर्स. एग्जीक्यूटिव में तो बता ही दिया, कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट ने हटा दी. फंडामेंटल राइट पे कोई इशू नहीं है, नथिंग, नो इशू ऑन फंडामेंटल राइट. स्टेट हाईकोर्ट का रिलेशन सेम रहेगा, ये तो अलग ही मामला है. जुडिशरी इज डिफरेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, उसका प्रेजेंट रूल से कोई मतलब नहीं है. जुडिशरी बरकरार रहेगी, हाईकोर्ट बरकरार रहेंगी. अरे सुन में, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें. रिवोकेशन कैसे होगा, हटेगी कैसे? प्रेसिडेंट ही हटा सकता है बस, कभी भी, या फिर 3 साल के बाद अपने आप हट जाएगी. अरे समझ में, वोटिंग नहीं, कोई वोटिंग नहीं हुई इसमें रिवोकेशन के लिए, इसमें कोई वोटिंग नहीं है. नेशनल इमरजेंसी में थी, जैसे आपने बोला ना कि 2 महीने में वोटिंग होगी पार्लियामेंट में,
पे बिल्कुल तो भी हट जाएगा, बोला फिर तो वही हो गया सारा काम रिस्टोर। अच्छा वैसे रिवोकेशन का बस तो ही है, रिवोकेशन या तो 3 साल अपने आप या प्रेसिडेंट, बस प्रेसिडेंट ही हटा सकता है बस, ठीक है 3 साल बाद हटा नहीं सकते अपने आप, ये डेट लगा नहीं सकते मतलब, ठीक है। तो लिखो कॉन्सिक्वेंस में, लिखो द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर, ही कैन टेक अप द फंक्शन, ही कैन टेक अप द फंक्शन, नंबर वन ही कैन टेक अप द फंक्शन ही और सी। अब इसके अंदर लिखना है प्रेसिडेंट के पास जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स है वो लिखवा रहा हूँ, क्या क्या कर सकता है वो। नंबर वन, नंबर वन ही कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नमेंट, गवर्नर और एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कोई भी, सब मेरे अंडर काम करेंगे। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट, अपनी बुक बंद करके यहां पे झांक रही है, ठीक है। टेक ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ गवर्नर और एनी ऑफ द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन एनी स्टेट, इन दैट स्टेट, ठीक है। अगला लिखो, ही कैन डिक्लेयर दैट, he can declare that powers of the state legislature, powers of the state legislature are to be executed by a parliament, are to be executed by parliament, theek hai re, executive by parliament, executed by parliament, alag se likho। When there is a president rule in any state, when there is a president rule in any state, he dismisses the state government headed by a CM, and he can either suspend or dissolve the state legislative assembly. Yeah, he dismisses. स्टेट गवर्नमेंट हटा दिया, अब आज से तुमने सुना नहीं, ही डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट हेडेड बाय सीएम, ही आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया ना, असेंबली को डिसॉल्व कर देगा या फिर सस्पेंड कर देगा। मैंने बताया सस्पेंड था, डिसॉल्व तो अभी कर सकता है जब लॉ पास होगा, जब अप्रूवल होगा पार्लियामेंट में, ठीक है रे, काफी है इसमें। अब बड़ी अच्छी बात लिखो, सबसे पहली बार कहां पे लगाया गया, पंजाब, लिखो फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल केरला में सबसे पहली सरकार जीती थी, ठीक है, नॉन कांग्रेस सरकार जीती थी केरला में सबसे पहली बार, इशू हुआ था, सही कह रहे हो तुम, लेकिन पहली बार जो लगाया था आपका किसमें लगा, पंजाब में, फर्स्ट टाइम पंजाब, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारा बिहार है, गुड, तुम्हारा क्या है, राजस्थान नहीं लगा कभी, उदयपुर में कब लगता है बे, दंगों को प्रेसिडेंट रूल बोल रहे हो, मणिपुर में लगी, मणिपुर रिवोल्ट, बंदूकधारी तो लगेगा, अगर आंदोलन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो नहीं लगेगा, मतलब जैसे महाराष्ट्र का हो रहा है बेलगाम को लेकर, उसको कोई मतलब नहीं बनता, उसके तो ग्राउंड बता दिए ना,
ग्राउंड देखे, दो ग्राउंड देख, किस ग्राउंड पे लगेगा, स्टेट ना सुन रहा हो या फिर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चल रहा हो। अगर पुलिस लड़ेगी आपस में तो प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, बंदे लड़ेंगे तो नहीं लगाएंगे। पता लगा इस वहां की कर्नाटका पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस भिड़ गई तो यानी वो नहीं सुन रहे सेंटर की, क्यों लड़ रहे हो, नहीं मानेंगे तो लगा देंगे। एक आती है, देखो यार हुआ गया था, देखो फनी बात सुनो उसके बारे में, थोड़ी कहानी सुनो, समझ आएगी, मजा आएगा। जब 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने देखा, सॉरी जब 1977 में जनता गवर्नमेंट आई सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे आ गई, आ गई तो उन्होंने चालाकी चली, उन्होंने बोला जिस जिस स्टेट में नॉन मतलब जो कांग्रेस सरकार है, सेंटर के इलेक्शन हुए थे ना, तो बोला अगर यानी इस टाइम पे इलेक्शन होते तो वो लोग भी हमें ही वोट देते, सेंटर वाले भी, स्टेट वाले भी, अपने स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए, है ना, समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन वहां पे इलेक्शन नहीं हुए तो इसलिए वहां पे कांग्रेस सरकार है, लेकिन उनमें है विद्रोह है, यानी कि वहां की असेंबली लोगों की बात को, लोगों की विल को नहीं सपोर्ट कर रही है, तो इस बेस हम प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तो करीब 8 से 10 स्टेट में उन्होंने इस चीज पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया कि वहां की असेंबली पॉपुलर वोट को सपोर्ट नहीं करती अब, कि हम जीते हैं देखो सेंटर में, यानी अगर आज के टाइम पे स्टेट में आप इलेक्शन करवाते हैं तो हम ही जीतते हैं, इस बेसिस पे उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। कोई बेसिस नहीं होता है, क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, वही सरकार बनाएगा जिसका मेजोरिटी है, और इन्होंने उल्टा बोल दिया कि मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है तुम लोगों को, क्यों, क्योंकि अगर आज इलेक्शन करवा दें तो तुम्हारे पास क्या नहीं है, पॉपुलर वोट नहीं है। इस बेसिस पे उन्होंने जबरदस्ती प्रेसिडेंट रूल लगाया, गुस्सा निकाला बेसिकली एमरजेंसी का जनता गवर्नमेंट ने, जनता गवर्नमेंट गिर गई 19 दो साल तक रही थी, 80 में इंदिरा गवर्नमेंट आ गई फिर से, इंदिरा गवर्नमेंट ने सेम काम किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेम काम, प्रेसिडेंट रूल हटा दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत बार काम हुए हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है स्टेट में जबरदस्ती पॉलिटिकल पर्पस के लिए, सेंटर को जब लगा स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा उछल रही है, सपोज सेंटर में कोई कांग्रेस सरकार है, बीजेपी सरकार है, और स्टेट में कोई स्टेट पार्टी की सरकार है, उससे चिढ़ है, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, कोई ना कोई मामला निकाल के जबरदस्ती का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन एसआर बोमई केस 1994, दे सेड दैट प्रेजिडेंट रूल शुड बी यूज एज लास्ट रिजॉर्ट, ऑप्शन ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इसकी कुछ गाइडलाइन दी प्रॉपर यूज के लिए, इम्प्रॉपर यूज के लिए, ठीक है। तो ये गाइडलाइन बोला कि अगर इस केस में लगाओगे तो इम्प्रॉपर होगा, यानी कि वो रिवोक कर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रिवोक कर देगी, और इस केस में प्रॉपर होगा, ठीक है। इस केस में जनता केस कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भाई ये देखो ये इम्प्रॉपर यूज आपने गाइडलाइन दी थी, देखो इसके बेसिस पे लगाया, ठीक है, जैसे इम्प्रॉपर अब क्या है ये वाला काम, जैसे उस टाइम कर रहा था पॉपुलर वोट को सपोर्ट नहीं कर रही है, समझ आ रही है। जनरली कब लगता है, देखो जैसे इलेक्शन हुए, सपोज राजस्थान में इलेक्शन हुए, कौन सी पार्टी राजस्थान में, नाम बताओ पार्टी के, अबे कितनी पार्टियां हैं, अभी तो कांग्रेस है, कौन सी, बीजेपी कांग्रेस, स्टेट पार्टी नहीं है कोई, एक पार्टी है उस, कौन सी, करनी से ना, नहीं नहीं पार्टी थोड़ी है, फिर क्या है वो, आरएलडी नाम है उसका, करनी से ना क्या है वो, तो पता ही क्या है, कुछ है प्रेशर ग्रुप है, क्या होता है डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी, वो मतलब इलेक्शन नहीं करते पर कुछ भी इशू, यही पता था बस, और क्या है, कोई इशू होता है तो गवर्नमेंट पे मतलब प्रेशर, दबाव बनाते हैं, दबाव दल, जैसे अन्ना हजारे का प्रेशर ग्रुप था लेकिन दैट कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी है ना, ऐसे ही तो हुआ था रिमेम्बर, हाँ वो करा था उन्होंने करप्शन के खिलाफ, लोक आयुक्त है ना, लोक आयुक्त बनाने के लिए, लोकपाल बनाने के लिए, लोकपाल बिल। तो खैर इलेक्शन हुए, जो आपकी क्या बोलते हैं राजस्थान में तो है ही नहीं वैसे, है ना, एक ही असेंबली है SLA, तो सपोज में कितनी सीटें हैं, एनी आइडिया, मान लो 200 हैं लगभग, तो एक किसी को जीतने मेजोरिटी को कितने चाहिए, 101 है ना, तो अलग अलग पार्टी को जो मिली सीट कुछ इस तरीके से मिली, किसी को 50 मिली, किसी को 70 मिली, किसी को 30 मिली, किसी को 15 मिली, किसी को 40 मिली, ऐसे करके मिली, किसी की भी मेजोरिटी नहीं आई। तो गवर्नर के पास अथॉरिटी होती है क्या, कि जो मेजोरिटी पार्टी है इसमें किसको, ये 70 वाली जाके अगर ये बोलती है कि मेरे पास बाकी पार्टी का सपोर्ट है, आप मेरे को सीएम नियुक्त करिए और मुझे टाइम पीरियड दीजिए, उस बीच में आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा फ्लोर पे, फ्लोर मतलब असेंबली में, ठीक है, फ्लोर टेस्ट, राइट, बोला ठीक है कर दूंगा। अगर गवर्नर बिना ये फाइंड करे कि सरकार बन सकती है या नहीं,
प्रेजेंट रूल लगाता है, गलत काम है, इम्प्रॉपर यूज है। अगर फाइंड करने के बाद भी नहीं मिल रही है तभी वो प्रेजेंट रूल लगाएगा, समझा रही कहानी? तो ऐसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज दिए गए। सेक्युलर, किसी देश में किसी प्रदेश में दंगे चल रहे हैं, किस बेसिस पे? धर्म जाति इस पे, और वो सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, गवर्नर रिपोर्ट भेज देगा और लग जाएगा, मतलब सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। जैसे बाबरी मस्जिद केस हुआ था, प्रेजिडेंट रूल लगाया था उसके बाद, ठीक है। सेक्युलर फैब्रिक जहां भी डिस्टर्ब होगा तो प्रेजिडेंट रूल लगा देंगे वो लोग, समझा रही है? तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज, ये सिर्फ स्टेट में, समझ आ रही कहानी? तो ये चीजें हैं कुछ प्रॉपर इम्प्रॉपर यूज किस में दिया, एसआर वोमई केस में। तो लिख लो, सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन फॉलोइंग प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल 356, ठीक है। इट सेड दैट आर्टिकल 356 शुड बी यूज्ड एज सॉल्यूशन एज अ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, एज अ ऑप्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट। फाइनेंशियल इमरजेंसी लिख लो, इतना काफी। फाइनेंशियल इमरजेंसी लिखो, लास्ट रिजॉर्ट, बहुत इजी। फाइनेंशियल लिख लो, इसमें मैं लिखवा रहा हूं, समझ अपने आप जाओगे, लिख लेते हैं। आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी व्हेन he is satisfied that situation has arisen due to which financial stability of India is threatened. Approval likho, same hota hai president rule ki tarah, स्टार्टिंग का बस लिख लो। आफ्टर डिक्लेरेशन इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन टू मंथ्स। आफ्टर डिक्लेरेशन फाइनेंशियल एफवी फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज टू बी बाय पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन टू मंथ्स। आफ्टर डिक्लेरेशन द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज टू बी अप्रूव्ड by the both house of parliament within 2 months, ठीक है। और ये तो पता ही है, अगर बीच में वो dissolve हो जाती है तो 30 days के अंदर अंदर, ठीक है, ये कहानी सेम है, 2 महीने 30 days, समझा कि एक बार अप्रूव हुई चलती रहेगी, एक बार कोई इसमें बार बार नहीं करना, चलती रहेगी। लिख लो, once approved No repeated renewal is required. कब तक चलेगी? जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। पैसा है जब तक, हाँ, जब तक, जब तक पैसा नहीं आएगा, अब तक गरीबी है। Once approved, अगर ये लगी तो फाइनेंशियल मैटर में सेंटर पावरफुल हो जाता है, सैलरी काट देगा, जजेस और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सैलरी काट देगा, ठीक है। इसमें याद रखना, जजेस की भी काट सकता है कि पैसा तो वही दे रहे हैं, पैसा तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंड ऑफ स्टेट से आ रहा है उनका, हाईकोर्ट के जजेस का, ठीक है, पैसा काट सकता है। और एक और चीज आज तक नहीं लगी है, although financial crisis हुए थे 1991 में, but लिख लो, no financial emergency has been proclaimed till now. Revoke by president only. Last sentence लिखवा दो जाओ। Last में अब क्या हुआ? जब emergency provision आ रहे थे constitutional assembly में, कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने बोला क्या क्या बात बनाई है भाई साहब, ठीक है। तो जो पक्ष में बोले उनकी बातें लिखो, लिखो। पक्षपाती। महावीर त्यागी called emergency provision as
महावीर त्यागी कॉल्ड एमरजेंसी प्रोविजन एज सेफ्टी वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेफ्टी वेल्व क्या होता है रे ये? हाँ भाई, जैसे कुकर देगा, कुकर के ढक्कन में एक छोटा सा होल होता है ताकि प्रेशर ना, प्रेशर से कुकर फट ना जाए, तो सेफ्टी वेल्व की तरह काम करता है वो. क्या ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन महावीर तक. सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये हर जगह मिलेंगे आपको. लेबल्ड देम एज, लेबल्ड देम एज द वेरी लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द वेरी लाइफ ब्रेथ, अरे सांसें हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बस हो गया, चलो फिर. जय माता दी. ठीक है रे, बंद कर दीजिए.